अभी जो एक सवाल मेरे सामने सबसे ज़्यादा आता है वो ये आता है कि प्रवीण भाई कोई जॉब बता दो जिससे पैसे कमा सके। एंड ये बात बिल्कुल सच है कि कोविड की वजह से जॉब में बहुत लॉस हुआ है, बहुत सारे लोगों की जॉब गई है। तो ऐसे में मैंने सोचा कुछ ऐसी जॉब मैं आप लोगों को बताऊं जो सभी कर सके। देखिए, बहुत सारी ऐसी जॉब होती है जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है कि आपको ग्रेजुएट होना होता है, आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ कंप्लीट करनी होती है, तभी आप उसको कर पाओगे। बट आज की इस वीडियो में ना, जो मैं 5 जॉब्स बता रहा हूँ ना आप लोगों को, आप घर से भी कर सकते हो और कोई एज बार नहीं है, कोई यहाँ पे डिग्री वाला बार नहीं है, कोई भी कर सकता है जो इस वीडियो को देख रहा है। एंड ऐसी ऐसी जॉब्स है ना दोस्तों जहाँ पे सैलरी 25,000 से भी ज़्यादा हो सकती है और आप उसको फुल टाइम भी कर सकते हो, जो कि आप कह सकते हो कि इंडिया की एवरेज इनकम से भी ज़्यादा है। तो अगर आप में से कोई जॉब ढूंढ रहा है तो इन 5 जॉब्स को ज़रूर ट्राई करना, ये इंस्टेंट जॉब्स है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है आने वाले एक हफ्ते में आपकी जॉब भी लग जाए अगर आप उस पर मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं। तो ये सबसे इजी लगने वाली जॉब्स है, सबसे ज़्यादा डिमांड वाली जॉब्स है और सैलरियाँ काफ़ी अच्छी रहने वाली है। तो अगर आप कंप्लीट जानना चाहते हैं तो लास्ट तक देखिएगा, टाइम स्टैम्प मैंने आप लोगों के लिए दे दिया है, सो आप उस तरीके से भी देख सकते हैं। सो हे एवरीबॉडी, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं और इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं जहाँ हम आप लोगों को ऑनलाइन अर्निंग, डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंस, जॉब से रिलेटेड कंटेंट देते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करिएगा ताकि इसी तरीके के एम्प्लॉयमेंट से भरे रिलेटेड वीडियो जब भी हम लेके आएँ आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। सो यहाँ पे नंबर 1 जॉब की जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो है सोशल मीडिया मैनेजर्स। देखिए, जब से इंटरनेट बढ़ा है ना, तो सोशल मीडिया मैनेजर कह लो या सोशल मीडिया हैंडलर कह लो या सोशल मीडिया मैनेजमेंट से रिलेटेड जॉब कह लो, बहुत बढ़ गई है। आज की डेट में चाहे बड़ी से बड़ी कंपनी हो या स्टार्टअप हो, उनको यहाँ पे सोशल मीडिया मैनेजमेंट वाले लोगों की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट में कौन आते हैं दोस्तों? जैसे कि आपको अगर फेसबुक हैंडल करना आता है, फेसबुक में पोस्ट डालने आते हैं, फेसबुक में या फिर आप लोगों को इंस्टाग्राम हैंडल करना आता है, इंस्टाग्राम में पोस्ट डालने आते हैं, ये तो सभी लोगों को आते हैं ना, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। साथ ही साथ अगर आप थोड़ा सा SEO वगैरह सीख लो कि भाई यहाँ पे SEO कैसे होता है, कैसे टैग वगैरह लगाने होते हैं, वो भी ज़्यादातर लोग सीख ही जाते हैं, राइट? आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं, पुराने जो हमने वीडियो बनाए हैं SEO पे, उसमें हमने आप लोगों को चीज़ें समझाई है। तो यहाँ पे जॉब के मौके ज़रूर है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे गूगल पे जाके कि यहाँ पे जो सैलरीज रह सकती है वो यहाँ पे आप लोगों की 25,000 से लेके 75,000 रुपये महीने तक भी सैलरी देती है। ये जो डेटा है वो मैं आप लोगों को बता दूँ, ग्लास डोर से लिया गया है। जो सोशल मीडिया मैनेजर्स की मैं बात कर रहा हूँ, रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है, अगर 12th पास भी हो बट अच्छे से मैनेज करना आता है तो कर सकते हो। बट एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रहती है, वो ये है यहाँ पे कि आपके पास जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है वो अच्छी रहनी चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरे नंबर पे हम रखेंगे यहाँ पे ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड जॉब्स को। मैं जब ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट कह रहा हूँ दोस्तों, तो जब इंटरनेट पर हम आते हैं, राइट, तो यहाँ पे सभी लोगों का यूट्यूब चैनल नहीं होता, सभी लोगों के पास ब्लॉग्स नहीं होते, तो वो अपने प्रोडक्ट को कैसे एडवर्टाइज करेंगे? तो वो यहाँ पे ऑनलाइन एड्स का सहारा ले सकते हैं। आप गूगल पे अपने ऐड चला सकते हो, आप फेसबुक के थ्रू अपने ऐड चला सकते हो। ये सारी चीज़ें हमने अपने कोर्सेज पे ऑलरेडी बताई है, राइट, जहाँ पे मैं आपको ये सारी चीज़ें सिखा भी रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें, राइट? तो ऐसे में जो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आपको एड्स आते हैं ना, गूगल पे एड्स रन करना आता है, फेसबुक पे एड रन करना आता है, तो यहाँ पे आपकी डिमांड हो सकती है, राइट? ऐसे में बहुत सारी कंपनीज है दोस्तों जो यहाँ पे ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के एक्सपर्ट को हायर करती है। आज से करीबन 5-6 साल पुरानी बात करूँ तो इतना ज़्यादा यहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट नहीं रहती थी, बट जैसे जैसे इंडिया इंटरनेट की तरफ जा रहा है, जो कि कोविड आने के बाद आप कह सकते हैं कि इसकी जो रफ्तार है वो 100 गुना बढ़ गई है। आज से 2 साल पहले लोगों को स्काइप नहीं पता होते थे, बट आज की डेट में जिनकी उम्र 50 से ऊपर है वो भी स्काइप पे चला रहे हैं, वो भी जूम कॉल कर रहे हैं। इवन 50 छोड़ो, जो 70 से ऊपर वाले हैं ना, उनको भी जूम स्काइप का पता लग गया है। तो आप सोच सकते हैं इंटरनेट कितनी ज़्यादा रफ्तार से बढ़ा है जब से ये कोविड फैला है, क्योंकि सभी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो ऐसे में ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट वाले जो लोग होते हैं, जो एड चलाते हैं, जो जानते हैं, उनकी डिमांड सबसे ज़्यादा हो सकती है। सैलरीज की बात करूँ तो स्टार्टिंग सैलरी मैंने खुद देखा है, मेरा एक जो स्टूडेंट हुआ करता था उसकी जो सैलरी है 30,000 रुपये महीना लगी थी दोस्तों, एक कंपनी में उसकी जॉब लगी थी, उसको ये सारी चीज़ों की नॉलेज थी। सो अगर हम यहाँ पे एक मिनिमल बताएं तो आपकी जो सैलरी है 15,000 से लेके 30,000-35,000 रुपये तक आपकी आसानी से सैलरी लग सकती है यहाँ पे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। वर्क फ्रॉम होम भी आप कर सकते हो इसमें, सो ये भी एक अच्छा मौका है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरे नंबर पर हम यहाँ रखेंगे क्रिप्टो करेंसीज और ब्लॉकचेन को।
अगर यहाँ पे जिनको ये लग रहा है कि भाई क्रिप्टो करेंसी यानी कि जैसे कि बिटकॉइन जो सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी है वो क्रैश हो गया रिसेंटली, तो इसका खेल खत्म हो गया, तो वो बहुत भ्रम में जी रहा है। अभी खेल खत्म होने वाली नौबत नहीं आई है। ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है वो फ्यूचर है इंटरनेट के बाद, जो सबसे बड़ी चीज आप कह सकते हैं वन ऑफ द, वो ब्लॉकचेन ही रहने वाली है, तो ये जाने वाली कहीं नहीं है। और इस तरीके के जो क्रैशेज होते हैं ना, इस पर कंप्लीट मैंने वीडियो बनाया हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं होती है, वो वीडियो देख लेना, बिटकॉइन क्रैश का ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप लोगों को कंप्लीट नॉलेज उससे रिलेटेड मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन से रिलेटेड जॉब के बारे में, तो इंडिया में काफी सारी कंपनीज आ रही है, और अगर आपको इस फील्ड से रिलेटेड नॉलेज है तो आप फॉरेन में भी अपनी जॉब लगवा सकते हैं। मैं आप लोगों को एक टिप दे देता हूं, ध्यान से सुनना, कि आप लिंक्डइन में अपना प्रोफाइल जरूर तैयार कर लीजिए, बहुत हेल्पफुल रहता है। लिंक्डइन का ट्यूटोरियल भी हमने चैनल पे बनाया है, उसका लिंक भी ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाके देखिए। लिंक्डइन में कई सारी जॉब आपको क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन से रिलेटेड मिल जाती है। एवरेज सैलरी बता रहा हूं, अगर आपको ब्लॉकचेन और इससे रिलेटेड नॉलेज है तो आपकी एवरेज सैलरी आप कह लीजिए कि 25,000 से 30,000 रुपये भी हो सकती है स्टार्टिंग की। ऐसी बहुत सारी कंपनीज है। अब बहुत सारे लोगों को तो खरीदना बेचना भी नहीं आता, आप लोगों को मैं एक स्पेशल चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे, जिससे आप खरीदना बेचना भी सीख जाओगे और यहाँ पे ब्लॉकचेन और क्रिप्टो से रिलेटेड फ्री में सीखना चाहते हो तो वो भी सीख जाओगे। DCX Learn एक प्लेटफॉर्म है जो स्पेशली आप लोगों को ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी को सिखाने के लिए बनाया गया है, तो आप उस प्लेटफॉर्म पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाके सीखिए। इसके अलावा अगर बात करें कि कैसे क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन वगैरह को खरीदना बेचना है, तो आप कॉइन DCX Go का यूज कर सकते हैं, जो कि इंडिया के सिंपलेस्ट बिटकॉइन ऐप है। इसके थ्रू बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज को बाय एंड सेल कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं इसमें। अभी मैं आप लोगों को इसी ऐप के बारे में क्यों बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये ऐप जो है अभी एक स्पेशल ऑफर चला रही है आप लोगों के लिए। अगर आप इस ऐप पे अपना अकाउंट बनाते हो, जो कि बनाना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, KYC कंप्लीट करते हो, साइन अप कंप्लीट कर लेते हो, तो ये आप लोगों को 100 रुपीज के फ्री बिटकॉइन भी दे रही है। आपने बिल्कुल सही सुना, 100 रुपीज के फ्री बिटकॉइन भी आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। सो आप यहाँ पे जाके अभी अपना अकाउंट बना लीजिए। अगर मैं कॉइन DCX Go ऐप की बात करूँ, जो कि इंडिया की सिंपलेस्ट बिटकॉइन ऐप है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ये इंडिया का वन ऑफ द सेफेस्ट एक्सचेंज कॉइन DCX पर आधारित है, और यहाँ पे आप लोगों की 0 ट्रांजेक्शन फी रखती है। जब आप कोई भी बिटकॉइन या अदर क्रिप्टो करेंसीज वगैरह खरीदते हो तो आपको कोई ट्रांजैक्शन फी नहीं देनी है, जो कि सबसे बड़ा एडवांटेज मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे आप लोगों के लिए रहता है। इसके अलावा शुरुआत में अगर आपको क्रिप्टो करेंसीज बिटकॉइन वगैरह में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, तो 100 रुपये डिपॉजिट करके 10 रुपये से भी बिटकॉइन खरीदने की शुरुआत आप यहाँ कर सकते हैं, अदर क्रिप्टो करेंसीज खरीदने की शुरुआत आप यहाँ पे कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया है, जो भी आप यहाँ पे बिटकॉइन या अदर क्रिप्टो करेंसीज खरीदते हैं वो BitGo से सिक्योर्ड होता है, इंश्योर्ड होता है। इसके अलावा यहाँ पे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का यहाँ पे ध्यान रखा गया है, ISO सर्टिफाइड है, तो आप लोगों को एक कंप्लीट पैकेज जो है कॉइन DCX Go, जो कि इंडिया की सिंपलेस्ट बिटकॉइन ऐप है, वो दे रहा है, तो आप डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पे अपना फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट बनाइए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथे नंबर पे हम यहाँ पे रखना चाहेंगे कंटेंट राइटर की जॉब को। आप एक फ्रीलांस कंटेंट राइटर बनके पैसे कमा सकते हैं। अब आपको यहाँ पे जॉब कहाँ मिलेगी, सबसे बड़ा सवाल ये है, तो आप यहाँ पे जो डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज होती है ना, वहाँ पे अपनी जॉब लगवा सकते हैं। जो ब्लॉगर्स होते हैं ना, जो एस्टैब्लिश ब्लॉगर्स है, वहाँ पे अपनी जॉब लगवा सकते हैं। जॉब कैसे ढूंढना है वो भी मैं आप लोगों को भी बता दूंगा, ध्यान से सुनना, बट पहले कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती है वो बता देता हूँ। इसके अलावा दोस्तों, आज की डेट में ना बहुत सारे ऐसे जो बड़े आप कह सकते हैं कि कॉन्टेंट क्रिएटर्स हैं, उनको भी यहाँ पे आप कह लीजिए कि कॉन्टेंट राइटर की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ भी आपकी जॉब लग सकती है। जॉब ढूंढना कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, गूगल पे जाके आप जॉब ढूंढिए, गूगल पे जाके लिखिए कॉन्टेंट राइटिंग जॉब, आपको बहुत सारी कंपनीज मिल जाएगी। आप वर्क फ्रॉम होम भी यहाँ पे कर सकते हैं, साथ ही साथ आप यहाँ पे अपवर्क जैसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे भी अपना अकाउंट बनाइए। अपवर्क का ट्यूटोरियल भी चैनल पे ऑलरेडी बना हुआ है, जाके आप लोग देखिएगा, वहां पे भी आप लोगों को जॉब मिल सकती है। इसके अलावा फ्रीलांसिंग साइट जैसे कि फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, इन पर भी अपना अकाउंट बना के यहाँ से भी आप जॉब फाइंड कर सकते हैं। इंडिया में जो लोकल जॉब हंटिंग वेबसाइट्स हैं उन पर भी आपको जॉब मिल जाती है। अगर आप ढूंढोगे तो यहाँ पे जॉब जरूर मिल सकती है, बट अगर आप एक कंटेंट राइटर बनना चाहते हो तो आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आप किस फील्ड में अच्छे हैं। अब यहाँ पे जब मैंने कंटेंट राइटर बोला ना, तो आप लोगों ने सोचा कि मैंने तो ऐसे लिखा हुआ है तो मेरी तो जॉब लग जाएगी। देखिए, ऐसा नहीं होता। कंटेंट राइटर किसी एक चीज़ में स्पेशलिस्ट होना चाहिए। अगर मुझे अपनी कंपनी के लिए कंटेंट राइटर यहाँ पे ढूंढना है, तो मैं ऐसे बंदे को ढूंढूंगा जो मेरा कंटेंट है उससे रिलेटेड उसको नॉलेज हो। जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग, जॉब, फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोज बनाते हैं, तो मैं तो ऐसे ही बंदा ढूंढूंगा ना कि जो इस फील्ड से रिलेटेड नॉलेज रखता है, ताकि मैं अपने ब्लॉग पे उस तरीके के कंटेंट से रिलेटेड आर्टिकल उससे लिखवा पाऊं। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस नीश में
बिलोंग करते हैं, आप हेल्थ से रिलेटेड आर्टिकल लिख सकते हैं, आप यहाँ पे यू नो फिजिक से रिलेटेड लिख सकते हैं, आप बॉलीवुड मूवी से रिलेटेड लिख सकते हैं, जो भी आपकी पसंद है उससे रिलेटेड आप लिख सकते हैं, और आप लोगों को उसी तरीके की जॉब आपको फिर ढूंढनी पड़ेगी जिसमें आपका इंटरेस्ट है, और आपको यहाँ पे जॉब भी मिल सकती है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस है, बहुत सारे यहाँ पे मौके हैं, आप जब ढूंढेंगे इंटरनेट पर आपको मिल जाएगा, राइट। इस पर भी आप काम जरूर करिएगा। इसकी जो सैलरी है इंडिया में 15,000 से लेके 20,000, 25,000, इवन 30,000 तक भी हो सकती है, अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, अगर आपकी स्किल्स ओवरऑल अच्छी है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। पांचवी जो हम यहाँ पे जॉब रखेंगे वो है ऑनलाइन ट्यूशन की जॉब को। ये सबसे अच्छी जॉब मैं कहूँगा, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है। वैसे तो सारे ही जॉब्स में इन्वेस्टमेंट आपका कुछ भी नहीं जा रहा, बट ये जो जॉब है बड़े आसान है। ऑनलाइन ट्यूशन ऐसा है कि पहले तो ट्रेडिशनल ट्यूशन्स में आप बच्चों को पढ़ाते थे, बच्चों को बुलाते थे, बच्चे आते थे, पैसे कमाते थे। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में, दोस्तों आप लोगों को बता दूं, बच्चों को ट्यूशन्स भी पढ़ाए हैं अपने अर्ली स्टेजेस में। सो ये एक ऐसा काम होता है जो बड़ा आसानी से लग जाता है। सो अभी तक तो आसानी से लग जाता था, बट कोविड की सिचुएशन आ गई, लोग यू नो दूसरे के घर में नहीं जाना चाहते, तो आप ऑनलाइन भी स्टार्ट कर सकते हैं। और जब आप ऑनलाइन स्टार्ट करोगे ना, तो जहाँ पे पहले आप लोगों के 2-4 बच्चे आते थे, अगर आप इसको प्रॉपर यूटिलाइज करते हो ऑनलाइन को, तो हो सकता है आप 100 बच्चों को भी पढ़ा सकते हो। ऑनलाइन ट्यूशन कैसे पढ़ाया जाता है, इसके लिए दोस्तों आप लोगों को यू नो बच्चे चाहिए होंगे। जिस भी फील्ड में आप यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाओगे, तो आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हो, यूट्यूब शॉर्ट्स का सहारा ले सकते हो। यूट्यूब शॉर्ट्स से रिलेटेड परसों मैंने वीडियो बनाया था, वो जाके देख लेना, आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। मैंने शॉर्ट वीडियोस कैसे होते हैं, क्या मैनेज किया जाता है, सारी चीजें बताई है। SEO वगैरह कैसे करते हैं वो भी बताया उस वीडियो में, तो जाके आप लोग देखिएगा जरूर। तो होता ही है ना दोस्तों कि जब ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाते हो, तो आपके पास एक बच्चों का आप कह सकते हो कि फोर्स बढ़ जाता है, आपकी अर्निंग बढ़ सकती है। अब यहाँ पे कैसे ट्यूशन पढ़ाओगे, उसके लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट अच्छा पढ़ा सकते हो। उस हिसाब से आप मार्केटिंग करो, फेसबुक वगैरह पे मार्केटिंग कर सकते हो जो आपके पास अवेलेबल है चीज़ें, इंस्टाग्राम वगैरह पे कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे यू नो यूट्यूब और यूट्यूब शॉर्ट्स का सहारा ले सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको खुद की वेबसाइट वगैरह बनानी है ऑनलाइन ट्यूशंस की, अपनी कोचिंग वेबसाइट बनानी है, तो इस पर बहुत ही बेहतरीन डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। आपको मैंने पूरा सिखाया था कि कैसे ये चीज़ें काम करती है, तो वो भी जाके आप चेक कर सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद कैसे आप खुद की ऑनलाइन ट्यूशन की कोचिंग की वेबसाइट लॉन्च कर सकते हैं, वो आपको पता लग जाएगा। तो वो भी आप लोगों के लिए इस चैनल पे अवेलेबल है। आप देखिए मैं आप लोगों के लिए कितना कितना भर भर के कंटेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिना मत जाइएगा। यही मेरी छोटी सी आप लोगों से मतलब उम्मीद रहती है, क्योंकि ये चीज़ हमें मोटिवेट करती है। अगर आप लाइक वगैरह करते हो, कमेंट वगैरह करते हो, तो मुझे अच्छा लगता है। बाकी देखिए आपकी मर्जी है, बट ये ज़रूर करिएगा दोस्तों, ताकि हम मोटिवेट होकर और भी अच्छा अच्छा कॉन्टेंट आप लोगों के लिए बना सके। तो ये जो 5 जॉब्स है ना दोस्तों, वो बहुत ही अच्छी हाई पोटेंशियल वाली जॉब है, आसानी से लग सकती है, कोई एज बार नहीं है, किसी भी एज में कर सकते हो। अगर कोशिश करोगे तो ज़रूर जॉब मिलेगी। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमें जॉब नहीं मिली। देखिए मैं वापस से हमेशा ये कहता हूँ कि इंडिया में हो तो एकदम ऐसे जॉब नहीं मिलती कि भाई हमने आज जॉब के लिए कंपनी में अप्लाई किया और कल हमारे यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो गया, ऐसा नहीं होता। आपको थोड़े तो अपने तरफ से हाथ पैर मारने पड़ेंगे ना। आप देखिए कि जो गवर्नमेंट जॉब में बच्चे होते हैं, वो 4-4, 5-5 साल से लगे पड़े होते हैं एक ही जॉब के लिए, कितना कॉम्पिटिशन है। बट यहाँ पे इतना कॉम्पिटिशन नहीं है जितना वहाँ पे है, क्योंकि वहाँ पे तो जॉब निकलती है, 1,000 अप्लाई करने वाले लाखों होते हैं। यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर की ये जो जॉब्स है, उनमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, बहुत ज़्यादा आपको कंपटीशन नहीं झेलना पड़ेगा। बट ये स्किल्स वगैरह होने चाहिए, अगर वो चीज़ है तो आपको आसानी से जॉब मिल सकती है, अच्छे से आप पैसे घर बैठे भी कमा सकते हो। कोशिश करो यार, इंटरनेट बहुत बड़ी चीज़ है, आपकी लाइफ चेंज करके रख सकती है, अगर आप कोशिश करना जानते हो और मेहनत करते हो, राइट है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा दोस्तों, जल्दी अगले वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात करता हूँ। अगर आपके कोई सवाल क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों, जल्दी अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।